हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एंटरटेन पार्टी में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th के इंग्लिश के चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि अब की बार हरियाणा बोर्ड की तरफ से एक अपडेट आई थी पैटर्न चेंजमेंट को लेकर। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, विद्यार्थियों को रात अब हर विषय में होंगे 40 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न। यानी कि ये कहा गया था कि भाई अब हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, फिर इन्होंने एक कॉर्नर में साइड में लिखा था यहाँ पर, चलिए मैं जूम करता हूँ, कि जो इंग्लिश और हिंदी है क्लास 10th 12th के, उसमें तो यहाँ पर इन्होंने कंफर्म बताया था, लेकिन और सब्जेक्ट्स का कंफर्म नहीं किया। तो ये सभी का कंफर्म कब होगा? जब हमारे सैंपल पेपर्स आएंगे साइट के ऊपर, तब सभी का कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तब तक हम हिंदी और इंग्लिश के यहाँ पर लेके आएंगे। ठीक है, और सब्जेक्ट्स के मैं भी आपके लिए लेके आऊँगा, लेकिन पहले हिंदी और इंग्लिश के कर लेते हैं थोड़े, क्या पता तब तक सैंपल पेपर्स आ भी जाएँ। तो आज इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट एम सी क्यूज आपके साथ डिस्कस करेंगे, चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन की। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक कर दीजिए। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिम्बलाइज? यानी कि जो ये चैप्टर है द लास्ट लेसन, ये क्या प्रदर्शित करता है, किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए है लॉस ऑफ फ्रीडम, बी लॉस ऑफ टाइम, सी लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम, डी लॉस ऑफ लैंग्वेज। सो जल्दी से सोच लीजिए इसका आंसर, कमेंट कर दीजिए जिसको पता है। चलिए डिस्कस करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर्स कम टू टीच ओनली जर्मन इन एल्सेस एंड लोरेन? यानी कि जो ये दो डिस्ट्रिक्ट थे एल्सेस एंड लोरेन, इनमें सिर्फ जर्मन पढ़ाई जानी चाहिए, ये ऑर्डर कहाँ से आए थे? ऑप्शन है बर्लिन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया। सो फ्रेंड्स, ये भी आपको पता होगा, चलिए डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बर्लिन, बर्लिन से ही ये ऑर्डर आया था। अब चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट टाइप ऑफ बैड न्यूज़ यूज्ड टू कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड? यानी कि बुलेटिन बोर्ड से किस प्रकार की खबरें आती थी? द ड्राफ्ट्स, लॉस्ट बैटल्स, ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, या डी ऑल ऑफ दीज? सो ये भी आप सबको पता होगा अगर आपने चैप्टर अच्छी तरह पढ़ा है तो, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही है शायद ये। सो चलिए डिस्कस करते हैं इसके आंसर को, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। यानी कि जो बुलेटिन बोर्ड था, जैसा कि आप पिक्चर देख पा रहे हैं, ठीक है, बोर्ड होता है फ्रेंड्स ये एक, जहाँ पर जो न्यूज़ आती हैं, नोटिस आते हैं, वो चिपकाए जाते हैं, तो इस पे ये सभी प्रकार की न्यूज़ आती थी और चिपकाई जाती थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट एटीट्यूड ऑफ एम हेमल सरप्राइज्ड फ्रेंच ऑन दैट डे? एम हेमल के किस रवैये ने फ्रेंच को सरप्राइज्ड कर दिया था उस दिन? ऑप्शन ए है सॉफ्ट एंड काइंड, बी है रूड, सी है फर्म एंड स्ट्रिक्ट, डी है ऑल ऑफ दीज। सो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है और फिर समझना है कि क्या पूछा गया है। चलिए इसके आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए, सॉफ्ट एंड काइंड। वैसे तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि एम एम एल था, वो थोड़ा स्ट्रिक्ट टीचर था, बट उस दिन, इसमें लिखा गया है ऑन दैट डे, उस दिन वो सॉफ्ट और काइंड लग रहा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल? ऑप्शन ए है पीपल वर डांसिंग, बी है पुलिस पेट्रोलिंग, सी है स्ट्रेंज पीपल वर देयर, या फिर डी है स्ट्रेंज क्वाइटनेस। सो ये भी चैप्टर में आया था।
चलिए डिस्कस करते हैं इसके आंसर के ऊपर। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेंज क्वाइटनेस। उस दिन चारों तरफ शांति का माहौल था। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। व्हाई वाज फ्रेंड्स फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड, यानी कि फ्रेंड्स था वो रिग्रेटफुल और दुखी क्यों महसूस कर रहा था, सैड क्यों महसूस कर रहा था। ऑप्शन ए है फॉर नॉट लर्निंग पार्टिसिपल्स, बी है फॉर रीचिंग लेट, सी है फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग, या फिर डी है नन ऑफ दीज। सो चलिए इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग, यानी कि उसने अपनी मातृभाषा थी उसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा था, ज़्यादा वो नहीं सीखी थी, इसी का उसको थोड़ा दुख था और इसीलिए वो सैड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन। फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड एम हेमल सर्व द स्कूल, यानी कि एम हेमल कितने सालों से स्कूल में पढ़ा रहा था या स्कूल में कितने सालों से था। इसका ऑप्शन है ए 20, बी 40, सी 78, डी 15। 20, 40, 78, 15। तो ये भी आपको पता होगा, कमेंट कर दीजिए जिस इसको पता है। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी 40 ईयर्स, यानी कि 40 साल से एम हेमल उस स्कूल में अपनी सेवाएं दे रहा था, पढ़ा रहा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर एट। व्हाई डिड द विलेजर्स कम टू मीट एम हेमल इन द स्कूल, यानी कि जो गांव के लोग थे वो एम हेमल से मिलने क्यों आए थे स्कूल में। फॉर कंप्लेन, फॉर फाइटिंग विद हिम, टू गॉसिप, टू शो ग्रेटिट्यूड, यानी कि कंप्लेन करने के लिए, उसे लड़ने के लिए, गॉसिप करने के लिए, या फिर ग्रेटिट्यूड के लिए। ग्रेटिट्यूड होता है सम्मान, आदर या फिर धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू शो ग्रेटिट्यूड, यानी कि उसका आदर सम्मान करने और उसका धन्यवाद करने के लिए जो गांव के लोग थे वो आए थे, क्योंकि वो अब जा रहा था स्कूल छोड़ के। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर नाइन। हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेस इन द क्लास, यानी कि जो क्लास में बैक बेंचेस होती हैं, पीछे की डेस्क जिन पर हमारे बैक बेंचर्स भाई बहन वो बैठते हैं, तो उन पे उस दिन क्लास में कौन बैठा था, किसने वो ऑक्यूपाई कर ली थी। तो ऑप्शन है स्कूल टीचर्स, वीक स्टूडेंट्स, विलेज एल्डर्स, या स्कूल हेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलेज एल्डर्स। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि जो गांव के बड़े बूढ़े थे वो पीछे जा जा के बैठ गए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। व्हाट डिड एम हेमल राइट ऑन बोर्ड एट द एंड ऑफ लेसन, यानी कि जब चैप्टर खत्म हुआ, यानी कि जब लास्ट दिन था क्लास का, उस दिन एम हेमल ने खड़े होकर बोर्ड पे क्या लिखा। स्कूल इज क्लोज्ड, वाइव ला फ्रांस, यू मे गो, या फिर बी पॉजिटिव। तो इसका भी आप सबको पता होगा, चैप्टर के एंडिंग में ये आया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाइवा ला फ्रांस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, व्हाट डिड होजर ब्रिंग, यहाँ पर एक होजर था वो क्या लेके आया था स्कूल में, ठीक है ये बताना है। तो ऑप्शन ए है स्वीट्स, ऑप्शन बी है न्यू ड्रेस, ऑप्शन डी सी है ओल्ड प्राइमर, डी है नन ऑफ दिस। सो चलिए इसके राइट आंसर को डिस्कस करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ओल्ड प्राइमर। प्राइमर क्या होता है फ्रेंड्स, जो किसी भी लैंग्वेज की सबसे पहली बुक, या फिर कहें कि अल्फाबेट की सबसे पहली बुक हो जाती है जो, यानी कि आप मान लीजिए कायदा, जो हम कायदा पढ़ते थे बचपन में रेड कलर का, आप सबने देखा भी होगा, वो ही यहाँ पर ओल्ड प्राइमर, उसे ही कहा जाता है प्राइमर। ये सभी देश का अपना अपना अलग होता है लैंग्वेज का। सो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर स्कूल दैट डे, ये तो यार सभी को पता होगा, ये जितने भी वीडियो देख रहे हैं। ऑप्शन ए है सॉन्ग, बी है एसे राइटिंग, सी है डांस, डी है पार्टिसिपल्स।
सो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसके आंसर को। वैसे भी आप सबको पता ही है, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, पार्टिसिपल्स। ठीक है, अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर, व्हाट इज द कलर ऑफ एम हैमल्स न्यू कोट वियरिंग ऑन दैट डे। यानी कि जो एम हैमल उस दिन नई ड्रेस पहन के आया था, तो कोट था उसका रंग कैसा था, येलो, ब्लैक, ग्रीन या पिंक। सो कमेंट कर दीजिए जिन जिन को पता है। सो फ्रेंड्स चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं इसके राइट आंसर के ऊपर। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बता दूं, ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन कलर का कोट। आप सबको पता भी है उस दिन वो कोट पहन के आया था, एक टोपी लगा के आया था, तो कोट तो ग्रीन था, बट उसकी जो टोपी कैप थी वो किस कलर की थी, कमेंट करके आप बताएंगे। सो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चंस थे, इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी आएगा, ये बड़ी वीडियो हो जाती, ठीक है, इसलिए मैंने इसको दो हिस्सों में बांट दिया है। फ्रेंड्स मेरा ये कहना है आप आराम से कर लीजिए, लेकिन पक्का कर लीजिए। अब आपको ये सभी क्वेश्चंस एक बार आखिरी में ये वीडियो आप देख लेंगे एग्जाम के टाइम, तो आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेंगे तो। और जो अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये एक क्वेश्चन है जो मैंने बनाया है, विच प्लांट्स ऑब्लिंग ट्रीज डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। जो लास्ट लेसन है इसमें कुछ प्लांट्स या फिर ट्रीज का जिक्र किया गया है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि वो कौन कौन से हैं, ठीक है। जो जो कमेंट करेंगे उन सब का नाम मैं अगली जो वीडियो आएगी नेक्स्ट पार्ट उसमें यहाँ पर डिस्प्ले करूँगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैं लेके आने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।